बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारे कोर्स कंप्यूटर ग्राफिक्स का वीक वन की लैब वर्क है। वीक वन में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, वीक वन का हमारा क्या एजेंडा है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो फैमिलियरिटी, हम वर्किंग विद एक्लिप्स। अब हमारा जो एनवायरनमेंट है हम उससे फैमिलियर होंगे कि प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं और कौन सी विंडो क्या काम करती है। देन फिर हम जे फ्रेम्स के ऊपर काम करेंगे, जे फ्रेम्स के बारे में पढ़ेंगे और ग्राफिक्स क्लास के बारे में पढ़ेंगे। देन हम जे पैनल के बारे में पढ़ेंगे। इस वीक का हमारा ये एजेंडा है, ये चार टॉपिक्स हमारे कवर होंगे। फिर हम एक टास्क परफॉर्म करेंगे। देखिए, आप लोगों को टास्क नज़र आ रहा है। टास्क क्या है जी, क्रिएट अ बेसिक जे फ्रेम विंडो ऑफ साइज 500x500 एंड प्लेस टेक्स्ट स्ट्रिंग एट लोकेशन 100x100 इन जे पैनल। हम एक फ्रेम क्रिएट करेंगे जिसका साइज 500x500 होगा और उसके ऊपर एक पैनल जे पैनल ऐड करेंगे और उस पैनल के अंदर 100x100 की लोकेशन पे कोई स्ट्रिंग प्लेस करवाएंगे। ठीक है, ये हमारा इस वीक का टास्क है। चलें जी, अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला टॉपिक है हमारा फैमिलियरिटी विद एक्लिप्स एनवायरनमेंट। ये आपको विंडो नज़र आ रही है, ये एक्लिप्स की विंडो है जो हम टूल यूज़ करेंगे। इसका आप लेटेस्ट वर्जन, कोई भी लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कीजिएगा उसको। एक्लिप्स क्या है? एक्लिप्स बेसिकली जो है जावा प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये बाकी लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है, लेकिन बेसिकली जो इसका यूज़ है वो जावा लैंग्वेजेस के लिए है, जावा प्रोग्रामिंग के लिए। इसमें प्रोजेक्ट, सबसे पहली बात कि ये जो हमारी विंडो नज़र आ रही है हमें लेफ़्ट साइड पर, ये हमारी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो होती है, ये विंडो। देन फिर हमें एक मेन विंडो नज़र आ रही है, ये हमारा हमारी मेन विंडो होती है जहाँ पर हम लोग कोड लिखते हैं। ऊपर हम लोगों को एक टूल बार नज़र आ रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, चले हम अपने वीक वन के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले फाइल में जाते हैं, न्यू में जाके प्रोजेक्ट या जावा प्रोजेक्ट, क्योंकि हम लैंग्वेज जावा यूज़ कर रहे हैं तो हम जावा प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट को भी सिलेक्ट करते हैं, लाइक मैं प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पर देखें आप किसी भी लैंग्वेज के लिए प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं। हमने फिर जावा के लिए ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। जावा प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ऊपर नाम देंगे प्रोजेक्ट का और फिनिश कर देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं जी, हम अभी करते हैं जावा प्रोजेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। इस तरह की एक आपको विंडो नज़र आएगी, यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैं कहता हूँ लेट्स से वीक वन लैब, ठीक है। ये मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, इसको जब मैंने फिनिश किया तो ये देखिए जी, ये जो वीक वन लैब था हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में आ गया है। अब हमने क्या काम करना है जी, इसमें मज़ीद दो फोल्डर होते हैं, सोर्स का फोल्डर होता है SRC का और JRE सिस्टम लाइब्रेरीज होती हैं, इसमें सारी की सारी लाइब्रेरीज ऐड हुई होती हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारा जो फोल्डर है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, देन न्यू में जाना है। जब भी हम कोई जावा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम ज़्यादातर क्लासेस को हैंडल करते हैं, जावा क्लासेस को हैंडल करते हैं। क्लास होती है हमारी प्रोजेक्ट की जिसमें मेन फंक्शंस वगैरह होते हैं, जिस क्लास में मेन फंक्शन होता है वो क्लास, वो उसका एंट्रिंग पॉइंट होता है प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो हम एक क्लास ऐड करते हैं, सिंपल क्लास ऐड की मैंने।
यहाँ पर हम लोगों ने क्लास का नाम देना होता है। सबसे पहले सोर्स फोल्डर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहेगा, ये आपकी लोकेशन है। सोर्स फोल्डर में हम इसको बना रहे हैं, इस क्लास को। फिर पैकेज का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। फिर हम लोगों ने क्लास का नाम देना होता है। क्लास का नाम लेट्स से मैं देता हूँ हमारी लैब, लैब 01। मैंने क्लास का नाम दे दिया। देन मॉडिफायर्स आपको नज़र आ रहे हैं, क्लास को हम पब्लिक ही रखते हैं। देन सुपर क्लास नज़र आ रही है क्योंकि हम अभी सुपर क्लास का देखते हैं क्या है जी, क्योंकि हम लोगों ने फ्रेम्स यूज़ करने होते हैं, तो सुपर क्लास हमारी क्या होगी, जे फ्रेम की। सुपर क्लास को हम एक्सटेंड, इस क्लास को जे फ्रेम से एक्सटेंड करवा देते हैं। तो जब मैंने जे फ्रेम लिखा ब्राउज करके, तो ये आ गया जी सुपर क्लास कौन सी है, जावा एक्स डॉट स्ट्रिंग डॉट जे फ्रेम। फिर हमारे पास ये कुछ चेक बॉक्सेस हैं, इनमें से हमें जो भी रिक्वायर्ड है हम कर लेते हैं। हमें इस क्लास में मेन मेथड चाहिए है, हमें इसको चेक कर लिया, देन फिनिश किया। जब हमने इसको फिनिश किया तो ये देखें, ये हमारी एक क्लास हमें शो हो रही है। इसका जो पैकेज है वीक वन लैब के नाम से जो हमने पैकेज क्रिएट किया था, प्रोजेक्ट का नाम जो हमने दिया था, ठीक है। और फिर हम लोगों ने जो क्लास का नाम दिया है लैब 01, और वो एक्सटेंड कर रही है सुपर क्लास जे फ्रेम से, और इसमें मेन फंक्शन पहले से बना हुआ आ गया है। देन हम देखते हैं, अगर हम लोगों ने ये जो हमारी एडिटर है, जो हमारी विंडो है, इसकी कोई सेटिंग वगैरह करनी हो, कलर्स वगैरह चेक करने हो, तो हम कैसे करते हैं। विंडोज़ में हम जाते हैं, विंडोज़ में जाके प्रेफरेंसेस में जाते हैं, प्रेफरेंसेस में जाके जर्नल में जाते हैं। जर्नल में जब आप जाएंगे तो अपीयरेंस आपको नज़र आ रहा है, अपीयरेंस को आप एक्सपेंड करेंगे तो इसमें देखें कलर एंड फॉन्ट वगैरह नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से जाकर यहाँ से बेसिक पे जाएंगे, बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी, C++, C, CVS। हम लोग बेसिक्स पे जाएंगे, बेसिक्स पे जाकर यहाँ पर टेक्स्ट फॉन्ट नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से आप लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ टेक्स्ट फॉन्ट, यहाँ पर आप मेरा जो फॉन्ट है वो कंसोल का जो फॉन्ट नज़र आ रहा है वो 18 नज़र है, ठीक है। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ एडिट मैंने किया तो फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट स्टाइल और साइज हमारे पास आगे है। अगर मैं 20 करता हूँ देन देखें, मैं 20 करके आपको दिखाता हूँ इसको, ओके मैंने किया देन फिर अप्लाई किया, तो ये देखें ये जो है मेरा फॉन्ट साइज 20 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह, फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब जी हम लोगों ने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कैसे करना होता है, यहाँ पर आप रन में जाएं, रन करेंगे प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं शो कराया हुआ, तो जस्ट हमें कुछ अपीयर नहीं होगा, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं जी हम अपने टास्क से। पहले टास्क हमारा क्या था कि जे फ्रेम के ऊपर हमने एक पैनल ऐड करना था, उस पर 100 100 पे एक स्ट्रिंग ऐड करानी थी। सबसे पहले हम देखते हैं जी फ्रेम्स क्या होते हैं। हम एक फ्रेम क्रिएट करते हैं, मैं मेन में लिखता हूं जी लैब वन का एक हमारा जो हम लोगों की क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, F इज इक्वल टू न्यू
कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएंगी, ऑप्शंस आ जाएंगी। देन फिर मैं इसको इसका एक टाइटल सेट करता हूँ। ये हमारा फ्रेम के लिए हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि जो हमारी क्लास है वो उसकी जो सुपर क्लास है वो जे फ्रेम की ही है, ठीक है। मैं कहता हूँ एफ डॉट, कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं, एफ डॉट सेट टाइटल, टाइटल्स कोई भी आप सेट कर सकते हैं, लाइक मैं कहता हूँ वेलकम टू फर्स्ट लैब, देन फिर हम साइज इसका सेट करते हैं एप डॉट सेट साइज, सेट साइज। साइज में हमें हाइट और वेट बतानी होती है 500 एंड 500। हाइट वेट मैंने इसको प्रोवाइड की। देन फिर हमें इसको विजिबल ट्रू करना होता है, विजिबिलिटी इसकी ऑन करनी होती है। तो एप डॉट सेट विजिबल, मैंने इसको ट्रू पास कर दिया। देन हम इसको करते हैं एफ डॉट सेट, कुछ डिफॉल्ट कीज है उनको ऑन करते हैं, डिफॉल्ट ऑपरेशन, सेट डिफॉल्ट ऑपरेशन, डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। यहां पर मैं लिखता हूं एफ डॉट एग्जिट, एग्जिट ऑन क्लोज, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जब हमने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो आपको ये एक विंडो नजर आ गई है। ये जो विंडो है हमारी, इसकी हम बॉर्डरिंग वगैरह सेट कर सकते हैं ऊपर इसके, ये सारी की सारी जो विंडो है ये हमारा फ्रेम होता है, जो हमें विंडो व्यू हो रही होती है ये हमारा फ्रेम है, ठीक है। हमने इसका टाइटल सेट किया हुआ है वेलकम टू फर्स्ट लैब, देन हमने इसकी ये बाय डिफॉल्ट क्लोज की, जो इसकी डिफॉल्ट कीज हैं वो हमने ऑन की हुई हैं। अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ तो ये क्लोज हो जाएगी। अगर हम ये वाली लाइन नहीं लिखते, लाइक मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, देन मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, सॉरी सेट विजिबिलिटी हमने, क्योंकि सेट विजिबिलिटी हम लोगों ने कमेंट कर दिया तो इसलिए वो विजिबल नहीं हो रहा हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो अब देखते हैं जी, ये विंडो हमारे पास आई है, लेकिन ये इसके डिफ़ॉल्ट ऑपरेशंस देखते हैं। डिफ़ॉल्ट ऑपरेशंस डिफ़ॉल्ट विंडोज़ को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रेम था। अब हमने फ्रेम का ये एरिया, आप लोग देखें इस एरिया में कोई भी चीज़ हम लोगों ने जब शो करानी होती है, कोई ड्रा स्ट्रिंग कराना होता है या कोई भी चीज़ प्रिंट करानी होती है, तो हम ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ग्राफिक्स क्लास के की मदद से इसके ऊपर चीज़ों को प्लेस कराते हैं, चीज़ें टेक्स्ट को वगैरह को शो कराते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक्स का हम यूज़ देखते हैं। ग्राफिक्स क्या है? ग्राफिक्स बेसिकली एक क्लास है जो प्रोवाइड करती है
ए फैसिलिटीज फॉन्ट क्लास और फॉन्ट क्लास वगैरह की मदद से मल्टीपल फैसिलिटीज टेक्स्ट की प्रोवाइड करती है कि हम उसको प्लेस करा सकें। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम में हम देखते हैं, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक हमारा एक फंक्शन होता है पेंट का ग्राफिक्स का एक फंक्शन है। ये देखें जी, पेंट मैंने लिखा, कंट्रोल स्पेस प्रेस किया तो ये हमारे पास ऑप्शन शो हो गई थी। तो ये फंक्शन है, ओवरराइड फंक्शन है ग्राफिक्स का, जो क्या करता है आर्गुमेंट में ग्राफिक्स का एक ऑब्जेक्ट लेता है। पेंट क्या करता है, पेंट जब भी कॉल होगा हमारा जो फ्रेम या पैनल, अगर पैनल के ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम फ्रेम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रेम हमारा रीपेंट हो जाता है, उसकी जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर जो चीज़ें हमने प्लेस करानी होती हैं वो प्लेस हो जाती हैं, पेंट हो जाता है। लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास ये जो ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट है इसकी मदद से मैं कहता हूँ जी डॉट ड्रा स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग प्लेस कराना चाहता हूँ मैं, ड्रा स्ट्रिंग। जब मैंने ड्रा स्ट्रिंग किया तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया। यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग पास करते हैं जी, लाइक मैं कहता हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स, देन हमें लोकेशन देनी होती है, जो एक्स एक्सिस की लोकेशन है वो देनी होती है। मैं कहता हूँ 100, देन फिर वाई एक्सिस की लोकेशन प्रोवाइड करनी होती है 100 100। मैंने लोकेशन प्रोवाइड कर दी। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम इसका रिजल्ट देखते हैं जी। ये देखें जी, अब हमारे पास 100 100 लोकेशन पे कंप्यूटर ग्राफिक्स लिखा हुआ आ गया। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा टास्क था, अभी हमने लोगों ने देखा कि फ्रेम क्या चीज़ होती है और ग्राफिक्स क्लास के बारे में देखा। हमारा जो टास्क था वो ये था कि हमने एक फ्रेम क्रिएट करना है, जो कि हम लोगों ने कर लिया है, जिसका साइज 500 बाय 500 हो, और उसके ऊपर हमने एक स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग हो, जो लाइक हमने ये स्ट्रिंग ही है कंप्यूटर ग्राफिक्स ये प्लेस कराई है 100 100 पे। लेकिन हम लोगों ने फ्रेम के ऊपर एक पैनल ऐड करना था, देन पैनल के ऊपर हमने स्ट्रिंग को ऐड कराना था। अभी जस्ट हमने फ्रेम के ऊपर इस स्ट्रिंग को ऐड कराया है। तो नेक्स्ट हमारा जो, अब टास्क की तरफ चलते हैं। पैनल क्या होता है, जो हमारा फ्रेम होता है जहाँ पर हम कोई भी चीज़ प्लेस कर सकते हैं, उस पे हम पैनल असल में होता है कि लाइट वेट कंपोनेंट के लिए एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ प्लेस करा सकते हैं, कोई हमारे बटन्स वगैरह टेक्स्ट फील्ड वगैरह ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक एरिया होता है, एक फ्रेम के ऊपर आप मल्टीपल पैनल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, हम अपने नेक्स्ट जो है इसी टास्क को हम देखते हैं। अभी हम लोगों ने ये सारा के सारा कोड लिखा है फ्रेम के लिए, भी हम लोगों ने कोड खुद से लिखा है। अब हम एक और तरीका देख लेते हैं प्रोजेक्ट का, कि हम कैसे जो डिज़ाइनिंग है वो कोड के थ्रू नहीं बल्कि विंडो बिल्डर के थ्रू कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर गए, हम लोगों ने क्या किया जी, हमारा प्रोजेक्ट तो बना ही हुआ है, इस प्रोजेक्ट में हम, इसी प्रोजेक्ट के अंदर लैब वन के अंदर हमने एक और क्लास ऐड करनी है, जो कि विंडो बिल्डर्स के मदद से जिस जो डिज़ाइनिंग हमें डिज़ाइनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। हम अदर्स में गए, अदर्स में जाके आप लोगों ने क्या करना है, विंडो बिल्डर में जाना है, विंडो बिल्डर में स्विंग डिज़ाइनर है, स्विंग डिज़ाइनर में जाना है और एप्लीकेशन विंडोज़ को आपने ओके करना है, देन नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने अब अपने क्लास का नाम देना है, यहाँ पर क्लास का नाम देना है। मैं कहता हूँ हमारी क्लास का क्या नाम है जी, लैब
01 लैब 01, और क्योंकि लैब 01 से हमने इसी प्रोजेक्ट के अंदर पहले एक क्लास बनाई हुई है, हम इसको कहते हैं विंडो बिल्डर्स यूजिंग विंडो बिल्डर। ठीक है, हमने ये क्लास का नाम दे दिया, हमने यहाँ से फिनिश किया इसको, तो ये हमारी क्लास ऐड हो गई है। अब ये देखें जी, इसकी थोड़ी सी कोडिंग, मेन का फंक्शन हम लोगों ने पहले जब ऐड किया था तो वो बिल्कुल खाली आया था, लेकिन यहाँ पर इसमें मेन में वाइड रन है जो एग्जीक्यूट होता है, रनेबल और ट्राई कैच वगैरह लिखे होते हैं। और ये देखें, ये जो विंडो है, विंडो डॉट फ्रेम सेट विजिबल पहले से ही ट्रू हुआ हुआ है। ठीक है, अब जी हम यहाँ पर आप लोग देखें, इसमें जब हम विंडो बिल्डर से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो नीचे ये डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा होता है। जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है पार्सिंग में, तो हम लोग जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये पार्स होता है कोड व्यू से, सोर्स व्यू से हमारे डिज़ाइन व्यू में हमें ले जाता है। डिज़ाइन व्यू में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी किस्म का डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका बैक एंड पे कोड यहाँ पर खुद ब खुद लिखा जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा कोड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, डिज़ाइन करते हैं और कोड खुद ब खुद हैंडल करता है ये, जब हम विंडो बिल्डर से काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स विंडो बिल्डर की मदद से ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने GUI वगैरह ड्रा करनी होती है और उसके ऊपर फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी होगी, तो GUI ड्रा करने के लिए हम विंडो बिल्डर का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा ये पार्सिंग के लिए, देन फिर पार्स जल्दी हो जाया करेगा। जी तो ये पार्स हो गया और हमारे डिज़ाइन व्यू हमें नज़र आ रहा है। डिज़ाइन व्यू में ये देखें, सबसे पहले तो कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि हमारा एक फ्रेम है उसमें गेट कंटेंट पेन का। अब ये जो गेट कंटेंट पेन है, ये इसका एडिटिंग, मतलब जो वो एरिया है जिस पे हम कुछ ना कुछ प्लेस कर सकते हैं। ये फ्रेम जो है यहाँ से पूरा का पूरा फ्रेम होता है, ठीक है, बॉर्डरिंग इसकी हुई है। अब हम क्या करते हैं जी, इसके ऊपर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम लोगों ने क्या करना है, पैनल ऐड करना है। तो जे पैनल हमारे कंटेनर्स के अंदर, ये देखें मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद है, जे पैनल हमने यहाँ से पिक किया, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाके आप यहाँ पर देखें कि जब हम गेट कंटेंट पेन में गए तो इसके ऊपर एक लेआउट सेट हुआ हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको, इस पैनल को यहाँ पर नॉर्थ में प्लेस करते हैं तो ये सिर्फ ऊपर शो होगा, लेकिन अगर जब हम सेंटर में प्लेस करेंगे तो ये पूरे के पूरे फ्रेम के ऊपर, पूरे के पूरे गेट कंटेंट पेन जो है इसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। हम इसको सेंटर में प्लेस करते हैं, जब हमने इसको सेंटर में प्लेस किया, ये देखें आप इसकी बॉर्डरिंग आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब है ये जो है हमारा पैनल ऐड हो चुका है, और यहाँ पर कंपोनेंट में भी आपको शो हो रहा है कि गेट कंटेंट पेन में पैनल ऐड हो चुका है। अब पैनल्स की हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, पैनल की हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जी। पैनल की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या हैं, ये देखें, ये सबसे पहले इसके वेरिएबल नज़र आ रहा है, वेरिएबल जो नज़र आ रहा है इसका, उसका नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पैनल इसके वेरिएबल का नाम है। फिर देन लेआउट है, इस पैनल के ऊपर कौन सी लेआउट अप्लाई हुई है, यहाँ से हम लेआउट चेंज कर सकते हैं। फ्लो लेआउट है, अभी कोई भी हम फ्लो लेआउट क्या होती है, हमारे पास कोई भी जब हम बटन्स वगैरह प्लेस करते हैं तो वो एक दूसरे के बैक फ्लो के फॉर्म में नज़र प्लेस होते हैं।
लाइक अगर मैं यहाँ पर अब कोई लेबल वगैरह ऐड करके आप लोगों का सॉरी हमारे पास ये लेबल्स है, ये लेबल ऐड करके दिखाता हूँ। तो ये देखें लेबल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दे रहा कि कहीं से हम उठा के किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे हम लोग इसको प्लेस कर सकें, ऐसी हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रही। तो हम जब इसको प्लेस करते हैं तो ये यहाँ पर सेंटर में प्लेस हो जाता है। अब हम इसको देखते हैं जी, पैनल्स की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और ये यहाँ से फ्लो आउट जो है ना एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है नल फ्लो आउट है। अब जब हम इसको यहाँ से पिक करते हैं तो हम इसको कहीं पर भी मूव कर सकेंगे। ये देखें किसी भी पोजीशन पे पैनल के अंदर हम प्लेस कर सकते हैं, अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमें सॉरी अभी हमें लेबल की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम लेबल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। हम लोगों ने इस लेबल को डिलीट कर दिया। अब जी हमारा जो फ्रेम है उसके ऊपर पैनल हम लोगों ने सॉरी हमारा जो फ्रेम है उसके ऊपर हम लोगों ने पैनल ऐड कर लिया है। और पैनल का हमारे का नाम क्या है, पैनल के नाम से ही हमारे पैनल का एक वेरिएबल बना हुआ है। अब हम सोर्स की तरफ चलते हैं, सोर्स कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं जी क्या चेंजेस परफॉर्म हुई हैं। ये देखें जी यहाँ पर इनिशियलाइजर के अंदर फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना जे फ्रेम के नाम से, वो बाउंड्स हुआ। जो लाइनें हम लोगों ने खुद से लिखी थी ये खुद ब खुद लिखी हुई आ गई हैं जब हम लोगों ने डिज़ाइन किया। तो यहाँ पर इसके अंदर एक जे पैनल का ऑब्जेक्ट बना है और न्यू जे पैनल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, गेट कंटेंट पेन हुआ और ये ऐड हो गया फ्रेम के ऊपर ऐड हो गया। और पैनल की जो हम लोगों ने लेआउट सेट की है वो नल हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एब्सोल्यूट लेआउट को सेट किया था और एब्सोल्यूट लेआउट क्या होती है, नल लेआउट होती है। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने करना यह है इसके ऊपर एक स्ट्रिंग ऐड करानी है। जब हम लोगों ने इसके ऊपर एक स्ट्रिंग को ऐड करवाना है तो हम देखते हैं जी, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जब हम लोगों ने ऐड करानी होती है तो हम ग्राफिक्स क्लास की मदद से उसके ऊपर ऐड कराते हैं। लाइक मैंने जब ये पैनल का ऑब्जेक्ट बनाया इसके बाद मैं कहता हूँ एक फंक्शन में कॉल करता हूँ पेंट कंपोनेंट का, पेंट पहले हमने पेंट का फंक्शन कॉल किया था, मैं पेंट कंपोनेंट के फंक्शन से आप करके देखते हैं जी, पेंट पेंट ही कॉल हो रहा है। मैंने क्या किया प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड वाइट पेंट कंपोनेंट। AI एंटी पेंट कंपोनेंट देन फिर मैंने फंक्शन ये क्रिएट किया। इसके अंदर मैंने क्या किया जी, हमारे ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट ले ये, तो मैंने किया जावा जावा क्लास डॉट AWT वेंडर डॉट ग्राफिक।
ग्राफिक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमसे लेगा, उसका ऑब्जेक्ट का नाम हम रख देते हैं जी जे। ठीक है, ये हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग जो भी काम करेंगे लाइक मैं कहता हूँ जी, तो इस फंक्शन के अंदर हम सुपर को कॉल करते हैं, सुपर डॉट पेंट को, सुपर डॉट पेंट। सुपर डॉट पेंट के फंक्शन को कॉल किया जो हमारे पास ग्राफिक्स का एक ऑब्जेक्ट ले रहा था। देन फिर हम लोग क्या करते हैं जी, हम ये करते हैं कि इसको यहाँ से हटाकर हम इसको ऐड कराते हैं यहाँ पर। मैं एक पेंट का फंक्शन बनाता हूँ, पेंट ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट लेगा हमसे। पब्लिक, ठीक है जी, अब इस पेंट के फंक्शन में हम लोग क्या काम करते हैं, मैं कहता हूँ इसके अंदर ये ओवरराइड फंक्शन है किसका, डायरेक्ट ओवरराइड। इसके अंदर मैंने सुपर को कॉल किया, सुपर डॉट पेंट को, मैं ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसको हम यहां से कट करते हैं एंड हम इसे प्लेस करते हैं जी यहां पर। सुपर डॉट पेंट कोई ऑप्शन हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। जी तो हम इसको कोड लिख के देखते हैं, रन के अंदर हम जाते हैं जहां पर हम लोगों ने सेट विजिबिलिटी ट्रू की हुई थी, वहां पर हम लोग देखते हैं जी डिफ़ॉल्ट ऑपरेशंस वगैरह के बाद, सेट विजिबिलिटी ट्रू होने के बाद
हम लोगों ने क्या किया, एक जे पैनल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जे पैनल का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हम पैन का नाम देते हैं, पैन इज इक्वल टू न्यू कंट्रोल स्पेस, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है, और देन इसकी बॉडी हम लोग लिखते हैं। इसकी बॉडी में हम क्या करते हैं जी, हम कॉल करते हैं प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड वाइट, ठीक है, और यहाँ पर हम कंटेंट पेंट कंटेंट को कॉल, पेंट कंपोनेंट को कॉल करते हैं हम यहाँ पर, पेंट कंपोनेंट। पेंट कंपोनेंट जो है वो क्या आर्गुमेंट लेता है हमारे पास, जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट ग्राफिक्स का एक ऑब्जेक्ट ले रहा होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं जी, जी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं जी, ग्राफिक्स जी की मदद से ग्राफिक्स जी की मदद से सुपर को कॉल करते हैं, सुपर फंक्शन कॉल करते हैं इसका, सुपर सॉरी सुपर डॉट पेंट, सुपर डॉट पेंट को जब हमने कॉल किया तो ये हमारा सुपर डॉट पेंट कॉल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम इसको क्या करते हैं जी, अब यहाँ पर हम इसको वैल्यू देंगे, जो वैल्यू हम हमारे इस जो हम लोगों ने पैनल का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इस पैनल के अंदर जो भी वैल्यू हम लोग स्टोर कराना चाहते शो कराना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ जी जी डॉट ड्रा स्ट्रिंग का हमारे पास एक फंक्शन होता है, जी डॉट ड्रा स्ट्रिंग,